हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है माइकल वर्सेस जेसन, जिसमें माइकल मायर्स और जेसन वोरहीस आपस में भिड़ने वाले हैं और हमें पता चलेगा कि दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। वैसे ये कोई ऑफिशियल मूवी नहीं है बल्कि एक शॉर्ट फिल्म है जो कुछ स्लैशर फैंस ने बनाई है स्लैशर फैंस के लिए। ये शॉर्ट फिल्म रेडिकल टैलेंट नाम के एक यूट्यूब चैनल ने बनाई है और ये करीब आधे घंटे की है जो आपको इनके YouTube चैनल पर फ्री में देखने को मिल जाएगी और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें नहीं पता कि माइकल या जेसन कौन है तो आप मेरी हेलोवीन और फ्राइडे द 13 वाली प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। माइकल और जेसन काफी बड़े स्लैशर आइकॉन्स हैं। हमें फ्रेडी वर्सेस जेसन मूवी तो देखने को मिल गई थी लेकिन कॉपीराइट के चक्करों में माइकल वर्सेस जेसन कभी बन ही नहीं पाई और फैंस के मन में ये सवाल हमेशा आता है कि माइकल और जेसन में ज्यादा पावरफुल कौन है। खैर, इन दोनों पर ऑफिशियल मूवी आएगी या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम अभी जानते हैं शॉर्ट फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताइए कि माइकल और जेसन की इस फाइट में कौन जीतने वाला है या आप किसकी साइड हैं। और एक और बात क्लियर कर दूं कि इस शॉर्ट फिल्म का किसी भी मूवी या टाइमलाइन से लेना देना नहीं है। कहानी की शुरुआत में हम जेसन को एक जंगल में पड़ा हुआ देखते हैं। अचानक ही हमें जेसन की मदर पैमेला वोरहीस की आवाज़ सुनाई देती है जो कि जेसन को उठकर किल करने बोल रही थी, और क्योंकि जेसन अपनी माँ की हर बात मानता है तो वो उठ खड़ा होता है और चेहरे से लग रहा है कि ये पार्ट 6 और 7 वाला ज़ॉम्बी जेसन है और इसके फेस और मास्क दोनों का डिजाइन ही काफी सही है। जेसन अपनी मशेटे उठाता है और शिकार करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पुलिस स्क्वाड ने माइकल मायर्स को पकड़ लिया है और माइकल कई महीनों से फरार था। ऑफिसर अपने हेड को बताता है कि उन्हें माइकल किसी के बैकयार्ड में खड़ा मिला था। वो कई हफ्तों पुरानी लाश के पास खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे माइकल ने नहीं किसी और चीज ने मारा था, और ये देखकर माइकल चौंक गया था और फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इनका लीडर इन्हें बताता है कि माइकल को उसका मास्क वापस कर दो, हो सकता है मास्क पहनने के बाद वो कुछ बोलने लगे, और फिर उसे मेरे पास ले आओ, हम उसे आज ही मार देंगे और उसकी बॉडी को जंगल में फेंक देंगे। इसके बाद ये ऑफिसर एक कंटेनर में जाता है जिसमें माइकल बंद था। वो उसे उसका मास्क दे देता है और मास्क देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हेलोवीन 2018 वाला माइकल है। खैर, स्क्वाड माइकल को ट्रक में बैठाकर अपने लीडर के पास ले जाती है। लीडर माइकल का मजाक उड़ाता है और फिर उसे गोली मारने लगता है, लेकिन तभी माइकल पूरी स्क्वाड पर ही अटैक कर देता है। वो पहले ऑफिसर के हेड को अपने पैरों से क्रश कर मार देता है, ठीक जैसा उसने हेलोवीन 2018 में किया था। इसके बाद वो दूसरे ऑफिसर की गर्दन तोड़ देता है। लीडर माइकल पर गोली चलाकर वहाँ से भागने लगता है और माइकल उसका पीछा करता है। लीडर भागते हुए उसी जंगल में आ जाता है जिसमें हमने जेसन को देखा था। वो बार बार माइकल पर गोली चला रहा था और इन गोलियों की आवाज जेसन सुन लेता है और इसी तरफ आने लगता है, और माइकल से पहले जेसन उस ऑफिसर तक पहुंच जाता है और उसके सीने में अपनी मशेटी घुसाकर उसे मार देता है। वही माइकल दूर से ही देख रहा था कि उसके शिकार को किसी और ने मार दिया है। जेसन वहां से जाने लगता है लेकिन माइकल के कदमों की आवाज सुन वो पलट जाता है और दोनों हॉरर लेजेंड्स एक दूसरे के सामने आते हैं। अब क्योंकि दोनों हमेशा चुप रहते हैं तो इनके बीच कोई डायलॉग बाजी नहीं होती। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता। मारा जाएगा, अपनी सोच। इतना गुरूर ठीक नहीं, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। जेसन माइकल पर अटैक करता है लेकिन माइकल उसका ज्यादातर अटैक डॉज कर देता है और उसे अपने चाकू से कई बार स्टेप भी करता है। इसके बाद दोनों बिना हथियारों के ही हैंड टू हैंड फाइट करते हैं जिसमें जेसन माइकल की बैंड बजा देता है। जेसन उसके सर को कई बार पेड़ पर दे मारता है और फिर अपने पैरों से भी उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी माइकल उठ खड़ा होता है तो जेसन उस पर मशेटी से अटैक करता है जिससे उसका मास्क थोड़ा कट जाता है और माइकल का खून भी निकलने लगता है। माइकल को मरा हुआ समझ जेसन वहां से जाने लगता है, लेकिन माइकल एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। जेसन उसे फिर से बेहोश कर अपने साथ ही घसीट कर ले जाता है, मतलब पहले राउंड का विनर जेसन है। जेसन माइकल को एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है और उसे बांधने के लिए एक रस्सी ढूंढता है, लेकिन जब वो रस्सी लेकर वापस आता है तो माइकल वहां से गायब हो गया था। माइकल जेसन के पीछे से उस पर एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और कुल्हाड़ी जेसन की गर्दन में घुसा देता है, लेकिन जेसन को कुछ नहीं होता और वो उसी कुल्हाड़ी से माइकल को मारने लगता है।
लेकिन फिर माइकल जेसन पर भारी पड़ जाता है और वो जेसन के सर को अपने पैरों से कई बार कुचलता है। इसके बाद वो उसी रस्सी से जेसन का गला कस देता है और जेसन बेहोश हो जाता है। तो सेकंड राउंड का विनर है माइकल। माइकल कुल्हाड़ी से जेसन को पूरा खत्म करने जा ही रहा था कि तभी इस फार्म का ओनर यहाँ आ जाता है। वो शॉटगन लेकर माइकल के पास आता है और उससे पूछता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है और अभी यहाँ से चला जाए, लेकिन माइकल उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तो ओनर माइकल को शॉटगन से शूट कर देता है, बट उसे कुछ भी नहीं होता। इधर जेसन को भी होश आ जाता है और ओनर के साथ आए दो लड़के जेसन पर अटैक करते हैं और गोलियों का माइकल या जेसन दोनों पर ही कोई असर नहीं हो रहा था। जेसन एक लड़के का गला अपनी मशेटे से काट देता है। इधर माइकल भी ओनर को कुल्हाड़ी से मार देता है और आखिरी बचे लड़के को जेसन अपनी मशेटे से स्टैब कर देता है। अब जेसन और माइकल फिर से आमने सामने थे। दोनों में फिर से तगड़ी फाइट होती है और माइकल जेसन की मशेटी उसी के कंधे में घुसा देता है। इसके बाद वो एक हैमर उठाकर लाता है जो कि मेरे हिसाब से एक रेफरेंस है हेलोवीन 2018 से। लेकिन जेसन अपनी मशेटी निकालकर उससे पहले माइकल की उंगलियां काटता है और फिर उसका हाथ ही काट देता है। दूसरे हाथ से माइकल मशेटी को रोक कर खड़ा होता है, लेकिन जेसन उसे फिर से कूट देता है और मशेटी से स्टेप कर देता है और माइकल वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद जेसन एक बार फिर से माइकल के अंदर मशेटी घुसा देता है और माइकल इस बार नहीं उठता। मतलब इन दोनों की फाइट का विनर है जेसन वोरहीस। जेसन विंस फ्लॉलेस विक्ट्री। जेसन को फिर से अपनी मदर पैमेला की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे शाबाशी दे रही थी। वो कहती है कि अब उसे वापस घर आकर आराम करना चाहिए, कुछ समय बाद वो फिर से शिकार करने जा सकता है। और मुझे लगता है कि जेसन इसके बाद क्रिस्टल लेक की तरफ जाने लगता है। आखिरी के सीन में हम देखते हैं कि माइकल अभी भी जिंदा है और वो जेसन की मशेटी लेकर उसका पीछा कर रहा है और ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए था। अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों पर कभी ऑफिशियल मूवी बनती है तो उनमें कौन जीतेगा। अब ये चीज कई सारी बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात कि माइकल के सामने कौन सा जेसन होगा, क्योंकि मूवीज में हमने देखा है कि टाइम के साथ साथ जेसन काफी बदला है और बेसिकली हमारे पास तीन तरह के जेसन हैं, ह्यूमन जेसन, जॉम्बी जेसन और ऊबर जेसन। इनमें ऊबर जेसन सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो माइकल तो क्या किसी भी स्लैशर लेजेंड को हरा सकता है। वहीं हेलोवीन से भी हमारे पास एटलीस्ट दो तरह के माइकल हैं, एक क्लासिक माइकल और दूसरा रोब जॉम्बी माइकल। एंड मेरे हिसाब से रोब जॉम्बी वाला माइकल ज्यादा खतरनाक है। वैसे ये दोनों किलर ही काफी सेम हैं, दोनों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और दोनों आग में जलकर भी जिंदा बचे हैं। अब हम ऊबर जेसन और रोब जॉम्बी वाले माइकल की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी टाइमलाइन खत्म कर दी गई है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इन दोनों में जेसन ज्यादा पावरफुल है और वो माइकल को हरा सकता है। हमने फ्रेडी वर्सेस जेसन में देखा ही था कि फ्रेडी ने जेसन को मार मार के उसकी हड्डियों का कचुंबर बना दिया था, लेकिन फिर भी जेसन जीत गया था। और अगर हम रिबूट वाले ह्यूमन जेसन की बात करें तो वो भी हेलोवीन 2018 वाले माइकल को कड़ी टक्कर दे सकता है और शायद उससे जीत भी सकता है। अब ऐसा मुझे लगता है, आपके हिसाब से इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जेसन वोरहीस का कैरेक्टर कॉपीराइट के चक्करों में फंसा हुआ है और यही रीजन है कि 2009 के बाद से हमें कोई भी फ्राइडे द 13 मूवी देखने को नहीं मिली। एंड पता नहीं कि ये इश्यू कब तक चलेगा। इसीलिए जेसन फैंस ने ढेर सारी फ्राइडे द 13 फैन फिल्म्स बनाई हुई है जो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। मैं इनमें से कुछ मूवीज को एक्सप्लेन करने का सोच रहा हूँ, तो अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्द ही कुछ कमाल और नई हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।